Hey guys, I'm Vasudev और आप देख रहे हैं Mix with Vasudev. So once again, a big shout out to Shriya, Rahul, Evelyn, Raghav and Taran. Congratulations for guessing the right answer. अगर आप लोगों को भी quiz में participate करना है, तो you can add me up on Instagram, link मेरे description में. So before starting the video, I'd like to thank you all. हमारे 400 subscribers cross हो गए हैं channel पे and I've planned a special giveaway जब हम 500 subscribers पे पहुंचेंगे. Also, जो भी मेरे channel पे most active member होगा, उसको कुछ एक special reward मिलेगा. So let's see, वो कौन होता है? I'm aiming हम 500 का target इस month achieve कर ले and let's see कि कौन सबसे active member है इस channel पे. So all the best. तो आज हम सीखेंगे कि मल्टीमीटर को कैसे यूज किया जाता है. हम देखेंगे कि हम कैसे फेज चेक कर सकते हैं अपने मिक्स का, कैसे टेक्निकल एस्पेक्ट से अपने मिक्स को वेरीफाई कर सकते हैं और देखेंगे कि अपने मिक्स की लाउडनेस कैसे सेट कर सकते हैं सो दैट वो रेडी है रिलीज के लिए. सो लेट्स बिगिन. तो आज जिस प्रोजेक्ट पे हम काम करेंगे, ये सुलेमान का ट्रैक है. दिस इज कॉल्ड चाहत एंड इट इज संग बाय अरबाज. तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये मेरी मास्टर बस है यहाँ पे, जहाँ पे मैंने एक EQ, कंप्रेसर, मल्टीप्रेसर, मैक्सिमाइजर, देन अनदर EQ और अडैप्टिव लिमिटर लगाया है. लेकिन इसके लास्ट में एक प्लगइन मल्टीमीटर भी लगाया है. सो आज हम सीखेंगे कि मल्टीमीटर को कैसे एनालाइज कर सकते हैं, बिकॉज मल्टीमीटर आपको बताता है कि आपके मिक्स में टेक्निकली कोई ग्लिचेस तो नहीं है. अगर ये रिलीज होता है तो ये स्टीरियो डिवाइसेस और मोनो डिवाइसेस के साथ कंपैटिबल रहेगा कि नहीं. हम इस वीडियो में चार चीजों की बात करेंगे. एक आपका एनालाइजर, एक आपका गोनियोमीटर, एक आपका LUFS मीटर एंड वन इज योर कोरिलेशन मीटर. और देखेंगे कि ये चारों हमें क्या क्या चीजें बताते हैं. सो आई विल प्ले द ट्रैक. चारों मीटर्स को एक बार ध्यान से देखिएगा, उसके बाद हम इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे कि हर मीटर का क्या सिग्निफिकेंस है यहाँ पे और वो हमको क्या दिखाता है. राइट. सो सबसे पहले हम बात करते हैं एनालाइजर की. तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, एनालाइजर में आपने देखा होगा आपको बैंड्स दिख रहे थे डिफरेंट, आपको डिफरेंट रेक्टेंगल्स दिख रहे थे. तो वो एग्जैक्टली क्या था? हर एक जो रेक्टेंगल है, हर एक लेवल है, वो आपको दिखाता है 1/3 फ्रीक्वेंसी ऑफ योर ऑक्टेव. तो होता क्या है, हम एनालाइजर को यूज कर सकते हैं ओवरऑल ट्रैक को चेक करने में कि क्या ट्रैक में लो एंड बहुत ज्यादा तो नहीं है, क्या ट्रैक में अनवॉन्टेड फ्रीक्वेंसीज तो प्रेजेंट नहीं है, क्या ट्रैक में सिबिलेंस तो नहीं आ रही, हाईज मिड्स ठीक है कि नहीं. तो एनालाइजर सिर्फ उसी काम के आता है. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर सेकंड मीटर. सेकंड मीटर है आपका LUFS मीटर. सो LUFS मीटर स्टैंड्स फॉर लाउडनेस यूनिट रिलेटिव टू फुल स्केल. LUFS मीटर क्यों यूज करते हैं हम मास्टरिंग में? क्योंकि देखा होगा आप लोगों ने, मोस्टली हम डेसिबल्स में डील करते हैं, विच इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ योर साउंड. लेकिन मास्टरिंग के वक्त क्या होता है, दिस इज योर इंटरनेशनल यूनिट जो हर स्ट्रीमिंग सर्विस के साथ यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब -14 के अराउंड लेता है, स्पॉटिफाई -13 के अराउंड लेता है. आई एम नॉट श्योर अबाउट द वैल्यूज बट इसके आसपास ही रहती है. सो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इसको देखने का है, कभी आप स्पॉटिफाई पे गाना सुनते होगे तो जब भी ट्रैक चेंज होता है आपको वॉल्यूम बटन छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ती. सो दैट इज बिकॉज वो अपनी लाउडनेस एक स्पेसिफिक लेवल पे रखते हैं. सो दैट मींस कि अगर आप उनको कम लेवल पे दोगे ट्रैक, तो वो उसके डायनेमिक्स पुल करेंगे, आपके ट्रैक को नॉर्मलाइज करेंगे और दैट मींस आपका मिक्स चेंज हो जाएगा. तो ये बहुत सारे लोग गलती करते हैं, दैट इज व्हाई उनका कंप्लेन होता है कि व्हेनेवर वी अपलोड आवर ट्रैक ऑन एनी स्ट्रीमिंग सर्विस हमारी साउंड चेंज हो जाती है. सो ऑलवेज मेक श्योर कि जो LUFS यूनिट है उनका, जो उनकी पीक रिक्वायरमेंट है, उससे थोड़ा सा लाउड सिग्नल भेजें, बिकॉज थोड़ा सा लाउड भेजेंगे तो वो उसका लेवल रिड्यूस करेंगे, उसको बस लिमिट करेंगे, तो उससे आपकी साउंड चेंज नहीं होगी. सो LUFS को यूज करने का तरीका अभी के लिए यही है कि हम इसको -10 to -12 के बीच में रखेंगे. रीजन बीइंग, आई गेस हाईएस्ट LUFS -13 के अराउंड लेती है स्ट्रीमिंग सर्विस. सो -13 से जस्ट मेक श्योर कि आप ऊपर दे रहे हैं, लाउड दे रहे हैं ऑडियो, बट डोंट गो बियॉन्ड -8 -10, बिकॉज उसके ऊपर जैसे ही आप जाएंगे तो आपकी ऑडियो धीरे धीरे डिस्टॉर्ट करना शुरू करेगी एंड इन टर्न आपकी क्लैरिटी कॉम्प्रोमाइज होगी. सो लेट्स मूव टू द थर्ड मीटर. थर्ड मीटर है हमारा कोरिलेशन मीटर. तो कोरिलेशन मीटर हमें क्या बताता है, इसको बहुत सिंपल वे में देखने का ये तरीका है कि आपकी नीडल जितनी राइट हैंड साइड पे है, दैट मींस आपके आउटपुट ट्रैक के राइट और लेफ्ट लेवल्स उतने ही बैलेंस्ड है. उसका मतलब ये है, जितनी राइट हैंड साइड पे उतना आपका ट्रैक मोनो में अच्छा साउंड कर रहा है, क्योंकि स्टीरियो में अगर आप सुनोगे तो आपको दोनों साइड से सेम ही आवाज आएगी. सो दैट मींस जितना ट्रैक राइट में है उतना आपका ट्रैक मोनो साउंड कर रहा है, उतने राइट और लेफ्ट लेवल्स बैलेंस
कर रहे हैं एक दूसरे को सेम है। जैसे जैसे ये मीटर नीचे जाता है वहां पे आपको पता चलता है कि फेज इश्यूज आने शुरू हो गए हैं। जैसे इस मीटर को आप देखेंगे कि 50% से नीचे आ रहा है, दैट मींस आपके किसी एलिमेंट में फेज की गड़बड़ है, आपके राइट लेफ्ट एलिमेंट्स में फेज इश्यूज है, जो कि आप मिक्स में वेरीफाई करोगे। उसका मतलब ये है कि अगर आप उसको मोनो डिवाइसेस में प्ले करोगे तो वो अलग साउंड करेगा। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपका मीटर राइट हैंड साइड की तरफ है, एकदम एक्सट्रीम राइट भी ना हो। रीजन बीइंग यहां कहीं पे होने का मतलब है कि आपकी स्टीरियो विड्थ बहुत अच्छी है, आपका ट्रैक स्टीरियो में भी अच्छा साउंड कर रहा है एंड मोनो कंपैटिबल भी है। जब एकदम एक्सट्रीम राइट में चला जाए, विच इज मोस्टली इन केस ऑफ अनप्लग्ड कवर्स, बिकॉज वहां पे हमारे पास एलिमेंट्स नहीं होते पैन करने के लिए, सो दैट इज टोटली फाइन। बट यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि ये 50% या उससे नीचे नहीं है, क्योंकि अगर ये उससे नीचे होगा दैट मीन्स आपको अपने मिक्स में वापस जाना पड़ेगा और फेज इश्यूज चेक करने पड़ेंगे। सो नाउ टॉकिंग अबाउट द फाइनल मीटर हमारा, वो है हमारा गोनियोमीटर। तो इसको देखने का छोटा सा तरीका ये है, मैं थोड़ा सा ट्रैक प्ले करता हूँ, ट्राई टू ऑब्जर्व दिस थिंग, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ये क्या बताता है। राइट, तो इसी के साथ जैसे आप लोग देख भी सकते हैं कि मेरा LUFS अराउंड -11 के आसपास जा रहा है, मेरा कोरिलेशन मीटर भी ऑलमोस्ट 90% के आसपास था। रीजन बीइंग इस ड्रॉप में मैंने एलिमेंट ज्यादा यूज नहीं किए एंड मोस्टली सेंटर अलाइन रखा है, या तो मैंने राइट और लेफ्ट को बैलेंस्ड आउट रखा है सो दैट इट साउंड्स द सेम ऑन बोथ द डिवाइसेस, चाहे हम स्टीरियो पे सुने चाहे हम मोनो पे सुने। नाउ टॉकिंग अबाउट द गोनियोमीटर, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो ये क्या है, जैसे हमारे ग्राफ होते हैं एक्स और वाई एक्सिस के, बस उसको 45 डिग्री पे टिल्ट किया हुआ है एंड ये आपके लेफ्ट और राइट को शो किया गया है। बीच में जो M लाइन है दैट इज योर मोनो लाइन। तो हमें गोनियोमीटर भी वही चीज बताता है जो हमें कोरिलेशन मीटर बताता है। इट टेल्स अस अबाउट द फेज कि कितना हमारे राइट और लेफ्ट एलिमेंट्स बैलेंस्ड आउट है, क्या फेज इश्यूज है कि नहीं, और सेंटर में जब वो होता है दैट मींस आपका ट्रैक मोनो है, आपका ट्रैक सेंटर से आ रहा है, आपके लेफ्ट और राइट जो है वो एकदम बैलेंस्ड है। सो अगर हम इन शॉर्ट एक बार डिस्कस करें तो एनालाइजर एक तरह से आपका EQ है जो आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बताता है आपकी, आपका LUFS मीटर बताता है कि ट्रैक की कितनी टेक्निकली लाउडनेस होनी चाहिए सो दैट आप इसको जब भी अपलोड करें इट साउंड्स इवन हर जगह पे। कोरिलेशन मीटर आपको बताता है आपकी मोनो कंपैटिबिलिटी, दैट मींस कि आपका ट्रैक मोनो पे भी अच्छा साउंड करेगा, क्योंकि यहाँ पे तो हम स्टूडियो में मॉनिटर्स पे सुन रहे हैं, बट क्या ये मोनो सोर्सेस पे भी अच्छा साउंड करेगा, सेम साउंड करेगा, क्या वही इंपैक्ट डिलीवर होगा या नहीं। एंड एट लास्ट गोनियोमीटर जो है, गोनियोमीटर आपको स्टीरियो स्पेस दिखाता है कि आपका सॉन्ग कैसी स्टीरियो स्पेस कवर कर रहा है, कहां उसके एलिमेंट स्प्रेड हो रहे हैं, कहां पे वो मोनो साउंड कर रहा है एक डायग्राम के थ्रू। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, आई होप आप लोगों ने कुछ नया सीखा हो, आप लोगों को मजा आया हो। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है उसको नीचे कमेंट कर दो, और अगर आप चाहते हो कि मैं अपना अगला वीडियो किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे बनाऊं तो उसको भी लिख डालो। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, चीयर्स, ऑल द बेस्ट।